जैसे गेहूं में यूज कर रहे हो, आपको कोई खर्चे में भी या कोई पैदावार में कोई फर्क देखने को मिला इतने सालों से? पैदावार में खर्च मिला जाए तो गेड़ लग रहे हैं। अच्छा जी, और दिखान दिखान की थोड़ी है। अच्छा जी, दस मन ज्यादा जीरी हुआ, दस मन ज्यादा कणक हुआ पड़ोसी। अच्छा जी, हाँ गेड़ लगा के इसका कोई दिखान नहीं आता, मेरी फसल इसी है, काली पीली दिखान तो नहीं है, दाने लेने का। किसान साथियों नमस्कार, मैं सुनील सिंह कुंडू अरेबल एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड से और कृषि को हार्मोनिक लेबोरेटरी कैलरम से। किसान साथियों आज फिर मैं आप सबके बीच में एक नई वीडियो लेकर के आप किसानों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। कई किसान साथियों की काफ़ी डिमांड थी कि आप गेहूं के बारे में भी कुछ वीडियो बनाएं, अपने उत्पादों के क्या रिजल्ट उसमें आपको देखने को मिलता है। किसान साथियों आजकल एक पीलापन थोड़ा गेहूँ में आया हुआ है, यह है एक थोड़ा मौसमी कह सकते हो, थोड़ा ये ऐसा भी होता है कि ये जो धान वाला आपका एरिया होता है उसमें अगर रूटीन में वही फसल अगर दोबारा लगा जाती है ऐसे गेहूं धान तो ऐसी कंडीशन में पीलापन आना स्वाभाविक ही है। और जैसे ही धुंध का मौसम स्टार्ट होता है या फिर ठंड स्टार्ट होती है तो पीलापन ऑटोमेटिक ही कवर होने लग जाता है। किसान साथियों आज फिर आपके बीच में एक नई वीडियो के साथ में हमारे दादाश्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ में इनके खेत में आया हुआ हूँ और ये आपको बताएंगे कि हमारे जो कबाल के उत्पाद हैं उन्होंने कैसे इनके खेतों में काम किया है और इन्होंने उसे क्या फ़ायदा पाया है। दादाजी नमस्कार। नमस्कार भाई, तो आप बताइए आप कितने टाइम से आप कमाल उत्पादों को? मैं 2000 साल से कमाल उत्पाद का प्रयोग करता हूँ अपने खेतों में और हर साल मैं नई जमीन ठेके पर लेता हूँ। अच्छा जी, कमाल की बदौलते ही मेरी फसल औरों से अलग होती है और ये आपके सामने भी है, देख लो, इधर पड़ोसी की देख लो, इधर मेरी देख लो, फालतू कहने की तो जरूरत ही नहीं। अच्छा जी, और मतलब पड़ोसियों क्या कहना है, जैसे पड़ोसी डालते हैं कि नहीं डालते हैं, जैसे आप इनके पड़ोसी मां भाई मन तो जूरी कहने गेड़ी थी कमाल कलम पर। अच्छा जी, हर ताजा माल अर्जी उनकी दवाई की, हम तो गेड़ नहीं सकते उसने महंगी का उसमें नहीं हुआ, अलर्जी में नहीं गेड़ सकते। अच्छा जी, हाँ ये तो बहुत बड़ी मतलब इकोनॉमिक सी थोड़ा बाकी रिजल्ट तारा सामने, इधर फसल देख लो, इधर फसल देख लो, परली साइड फसल देख लो, कुल्ली साइड फसल देख लो, देख रहे हैं आपके यहाँ जो 4 एकड़ खड़ा है सबसे अलग ही है इसमें धान है। आप मैं कहूँगा एक बार चारों तरफ से दिखा देंगे, उधर की भी फसल दिखा दें, मतलब कितना कंपेयर है। आप इसको कितने मतलब धान में जैसे अब यूज करते हो, अभी जैसे गेहूं में यूज कर रहे हो, आपको कोई खर्चे में भी या कोई पैदावार में कोई फर्क देखने को मिला इतने सालों से? पैदावार में खर्च मिला जाए तो गेड़ लग रहे हैं। अच्छा जी, और दिखान दिखान की थोड़ी है। अच्छा जी, हाँ दस मन ज्यादा जीरी हुआ, दस मन ज्यादा कणक हुआ पड़ोसी। अच्छा जी, हाँ गेड़ लगा के इसका कोई दिखान नहीं आता, मेरी फसल इसी है, काली पीली दिखान तो नहीं है, दाने लेने का मतलब है, दाने ज्यादा हो रहा है इसमें। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ किसान का मतलब फायदा भी होता है, मतलब कि खर्चा कम हो जाता है और पैदावार में बढ़ोतरी होती है, और बढ़ोतरी नहीं है पौष्टिकता भी उसमें पैदावार में देखने को मिल जाती है काफी किसान साथियों के। जमीन का भी रवा बनावा, फसल का भी रवा बनावा, खान में भी ज्यादा टेस्ट है इसके देना का। अभी जैसे आप बता रहे थे बारिश बुरिश का क्या, पानी पुन का क्या सिस्टम? पानी का सबकी हमारी पड़ी है, अपनी तो जिंदगी है। अच्छा जी, या देख लो पड़ोस में या हमारी पड़ी अपनी जिंदगी खड़ी। नहीं, बरसात के पानी की वजह से पीलापन आया है या आपने मतलब ट्यूबवेल का बोर का पानी दिया? ट्यूबवेल बोर का दे दिया सब ने ही, क्योंकि साथ में बरसात होगी। हाँ जी, पानी दे काटे थे साथ में बरसात होगी, मन तो अगले दिन गिर दी। अच्छा जी, कमाल कलम अपने पे तो कोई असर नहीं मड़ा, अभी आ गया इधर देखो पड़ोसियों की। नहीं, अभी एक किसान साथी आए हुए थे कि मेरे में तो 7-8 दिन पानी खड़ा रहा था, मतलब कि तो आपके में भी कुछ ऐसा देखने को मिला है? एक ही दिन पानी दिया हमने। अच्छा जी, हाँ चलो अच्छी बात है। और फिर आप क्या कहना चाहोगे, मतलब दूसरे किसान साथियों क्या कहना चाहोगे, मतलब कमाल उत्पाद मतलब कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, किसान का फायदा हो सकता है? किसान का फायदा इसमें तो जमीन को भी बचाता है, फसल को भी बचाता है, खर्चा को भी बचाता है। अच्छा जी, दूसरा बड़ा फायदा क्या है कि किसान साथी मतलब दवाई को यूज करता है, किसान अपने जो खेत में दवाई डालता है सबसे पहले यूजर वही होता है। जहर मुक्त खेती इसी को कहते हैं। बिल्कुल जी, और जहर के दाने खाना कोई अच्छी बात है कि जहर तो जमीन ने भी मारा है, आप खाने वाला नहीं मारा, पशु भी तूड़ी खाओ उनकी भी मारा, तीनों चीजें ना मारा ही तो जहर। चलो बढ़िया जी, तो दादाजी आपने इतना टाइम हमको दिया, थोड़ा किसान साथियों के साथ में थोड़ा आपकी जो वीडियो है इसको भी शेयर करेंगे और आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी हमसे जुड़ेंगे। किसान साथियों नमस्कार। नमस्कार।